7 जुलाई 2021 को एक बेहद बुरी खबर आई। 98 साल की उम्र में भारत के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार ने दुनिया को अलविदा कहा। सोशल मीडिया पर दिलीप कुमार से जुड़ी बातें हो रही थी और खबरें शेयर की जा रही थी। इन्हीं सब के बीच दिलीप कुमार से जुड़े कुछ ऐसे दावे भी शेयर किए गए जो गलत थे। ऑल्ट न्यूज आपको ऐसे ही दो दावों की सच्चाई बताएगा। सबसे पहले बात एक वीडियो की, जिसके बारे में बताया गया कि ये दिलीप कुमार के अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ बिताए गए आखिरी पलों का वीडियो था। टाइम्स ग्रुप के एंटरटेनमेंट चैनल ईटी टाइम्स ने यह वीडियो शेयर किया। कैप्शन में इन्होंने #throwback भी लिखा। इसके अलावा फेसबुक पेज teletushioninda.com और कुछ अन्य वेरीफाइड यूट्यूब चैनल्स ने भी यह वीडियो इसी दावे के साथ शेयर किया। जब ऑल्ट न्यूज ने जांच की तो पाया कि यह वीडियो साल 2013 का है। 24 सितंबर 2013 के द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के मुताबिक 15 सितंबर को तबीयत खराब होने के कारण मुंबई के लीलावती अस्पताल में दिलीप कुमार को भर्ती कराया गया था। यह उसी मौके का वीडियो था। दिलीप कुमार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी यह वीडियो 22 सितंबर 2013 को ट्वीट किया गया था, यानी यह वीडियो 8 साल पुराना है। फिर सायरा बानो के साथ ये उनके आखिरी पल कैसे हो सकते हैं? अगर आप दिलीप कुमार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर नजर डालें तो कई ऐसी तस्वीरें पाएंगे जिसमें वो सायरा बानो के साथ नजर आ रहे हैं। ईटी टाइम्स इंडिया.com ने भले ही ये वीडियो शेयर करते हुए #throwback लिखा था, जो ये बताता है कि ये पुराना वीडियो है, मगर उनका ये लिखना कि दिलीप कुमार के सायरा बानो के साथ बिताए कुछ आखिरी पल पूरी तरह से गलत है और ये भ्रामक जानकारी की कैटेगरी में आता है। सोशल मीडिया पर दिलीप कुमार से जुड़ा दूसरा गलत दावा ये है कि दिलीप कुमार अपनी सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम कर चुके हैं। कई लोगों का तो ये भी कहना था कि दिलीप कुमार ने वक्फ बोर्ड को 98 करोड़ रुपए दिए। इस दावे की असलियत जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने फैजल फारूकी से बात की। फैजल दिलीप कुमार के करीबी थे और उनका आधिकारिक ट्विटर अकाउंट भी हैंडल करते थे। इसके अलावा फैजल फारूकी mouthshut.com के फाउंडर और CEO भी हैं। फैजल ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा दावा पूरी तरह से गलत है और दिलीप कुमार ने इस तरह का कोई डोनेशन मुस्लिम वक्फ बोर्ड को नहीं दिया है। इसके बाद ऑल्ट न्यूज ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के CEO अनीस शेख से बात भी की। उन्होंने भी यही कहा कि उनके ऑफिस के पास इस तरह के डोनेशन की कोई जानकारी नहीं है। यहां यह भी बता दिया जाए कि वक्फ बोर्ड एक कानूनी संस्था है और इसे डोनेशन देने में कुछ भी गैर कानूनी या गलत नहीं है। मगर ये गलत दावे उसी वक्त किए जा रहे थे जब दिलीप कुमार की मौत के तुरंत बाद कई लोग उनके जन्म से मुस्लिम होने की बात करते हुए बेतुकी और नफरत भरी बातें कर रहे थे।